लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर कल भारत और चीन के शीर्ष सैन्य कमांडर्स की अहम बैठक को लेकर विदेश मंत्रालय ने आज बड़ा बयान जारी किया है। इस बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति के लिए सहमत हुए हैं। भारत चीन सैन्य वार्ता को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण माहौल में हुई है। भारत चीन के बीच बॉर्डर पर एक महीने से चल रहे गतिरोध को लेकर कल हुई शीर्ष सैन्य वार्ता के बाद आज विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान देते हुए बताया कि दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति से हल निकालने के लिए सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने चीन भारत सैन्य वार्ता पर कहा कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय समझौते के मुताबिक सीमाई इलाकों में स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान पर सहमत हुए हैं। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों पर शांति सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्ष सैन्य और कूटनीति संलग्नता से जारी रखेंगे। विदेश मंत्रालय में चुशुल मोल्दो क्षेत्र के ले में टॉप भारतीय और चीनी कमांडर के बीच हुई बैठक पर ये बात कही है। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि दोनों पक्ष विभिन्न द्विपक्षीय समझौते और नेताओं के बीच बनी सहमति को ध्यान में रखते हुए हालात ये शांतिपूर्ण तरीके से निपटने पर राजी हो गए हैं। नेताओं के बीच सहमति बनी कि भारत चीन सीमा क्षेत्र में शांति द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने माना है कि इस साल दोनों देशों के बीच कूटनीति संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ है और वे इस पर राजी हुए हैं कि इस मसले के तत्काल समाधान से संबंधों का और विकास होगा। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक फलस्वरूप दोनों पक्ष स्थिति को हल करने तथा सीमा इलाके में शांति सुनिश्चित करने के लिए सैन्य और कूटनीति वार्ता जारी रखेंगे। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़।